पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मिलने स्वास्थ्य भवन पहुंची। इस दौरान डॉक्टरों ने हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो यहां दीदी के तौर पर डॉक्टरों से मिलने आई है। बता दें कि गुरुवार को डॉक्टरों का एक दल बैठक के लिए नवन्ना पहुंचा था, लेकिन यह बैठक नहीं हो पाई थी। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए 2 घंटे तक का इंतजार किया, लेकिन वे बैठक स्थल पर नहीं आए। इसके बाद कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांगों पर गौर करेंगी और कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ आपके मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दीदी के तौर पर मिलने आई हूँ। मैं आप पर दबाव नहीं बना सकती हूँ, मैं केवल आपसे अपील कर सकती हूँ। जब CPIM सत्ता में थी तब मैं 26 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर थी। यह मेरा आखिरी प्रयास है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के संबोधन के बाद डॉक्टरों ने कहा कि वे अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी 5 मांगों को लेकर सरकार से किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं। ये कोई अनुचित मांग नहीं है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 15 लोगों की शर्त के बावजूद 30 चिकित्सक नवन्ना पहुंचे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य भवन के बाहर धरना शुरू करने से पहले कहा था कि वे बैठक का सीधा प्रसारण करने की मांग से पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। राज्य के मुख्य सचिव बैठक के लिए अपने नए निमंत्रण में पहले ही इस मांग को अस्वीकार कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना 9 अगस्त की है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की ग्रेजुएट की द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। 8 अगस्त को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात के 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। घटना के दूसरे दिन सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब 4th मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।